भाई ये बताइए कि जनरेटर खरीदते समय जो लोग हैं क्या सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए, किस तरह का जनरेटर खरीदना चाहिए, क्या आवश्यकता रहती है, किस तरह के जनरेटर खरीदे लोग कामकाज बढ़िया कर सकते हैं, ये बताइए। ऐसा है जो भी कस्टमर जनरेटर ले रहे हैं, जनरेटर लेने से पहले सबसे बढ़िया बात तो यह है कि वो जनरेटर का पूरा लोड शोड इधर ही चेक करें, पूरी संतुष्टि करें। और संतुष्टि करने के बाद कई बार क्या है कि कस्टमर अपने क्षेत्र के हिसाब से उसे जनरेटर लेना चाहिए। जैसे किसी एरिया में किर्लोस्कर चलता है तो उन्हें किर्लोस्कर लेना चाहिए, किसी एरिया में महिंद्रा चलता है तो उन्हें महिंद्रा लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो चीज़ ज़्यादा चलती है पार्ट्स मिलने में आसानी हो जाती है। हाँ, और मिस्त्री मिलने में आसानी हो जाती है। लोड के हिसाब से बताइए कि लोड कितने का हो तो कितने का लेना चाहिए, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। जैसे आपका लोड है 15 KVA का लोड है आपका, तो आपको 20 KVA जनरेटर लेना चाहिए, जिससे कि जनरेटर फ्री चले और तेल भी सही खाए और उसके बाद सर्विस भी लाइफ भी बढ़िया बनी रहे। सर्विस कराते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जनरेटर का रखरखाव बढ़िया करें, खर्चा कम आए, बढ़िया जनरेटर काम करे, तो सर्विस किस तरह से करानी चाहिए? सरिया ये सर्विस का ये है कि सर्विस आदमी टाइम पे कराए। जैसे जो मिस्त्री हैं हमारे, वो सारी बताते हैं कि जी आपको इतने घंटे के बाद में सर्विस करानी है, पानी का ध्यान रखना है, और पानी नहीं आप तो क्या है कि कूलेंट वगैरह अगर डाल दें तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। अच्छा। हाँ, और आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, इसमें जनरेटर लेने से पहले एक बार अगर रेडिएटर है, एयर है, फिल्टर है, ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनसे ही बीमारी पैदा होती है जनरेटर के अंदर। रेडिएटर अगर चौक है, नया रेडिएटर है लेकिन चौक है, पानी नहीं घूम रहा तो इंजन गर्म चलेगा, एयर में कमी है तो फिर दिक्कत आ जाएगी सांस लेने में। इसलिए इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है, जनरेटर चलते हैं।